कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ICER 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म UG के लिए जो आए थे, ICER 2023 UG के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी, उसकी सूचना जो थी वो इसी वेबसाइट पर आई थी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ICER.org.in पर। ठीक है, तो ICER.org.in पर ये सूचना आई थी कि CUET के साथ में ICER होगा। ठीक है ना, जिससे कृषि विद्यार्थियों को इस साल बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, जैसा कि आपको पता भी होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या है कि ICER की एग्ज़ाम हो चुकी है CUET के साथ में, और साथ ही साथ ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, शुरू से अपडेट यही इसी वेबसाइट पर आई थी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की एप्लीकेशन। तो इस पर इसी वेबसाइट पर काउंसलिंग से रिलेटेड भी एक नोटिस आया है, और भी एक अपडेट भी आया काउंसलिंग से रिलेटेड शेड्यूल टाइप का, उसको भी आप देख सकते हो। चैनल पर तीनों की वीडियो उपलब्ध है, उसको देख, इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी ये चीज़ अपडेट दी थी। अब उस टाइम जब आपने ये वेबसाइट देखी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, तब ये वेबसाइट मतलब थोड़ी इसका इंटरफेस अलग था, लेकिन अब ये थोड़ी सी क्या है कि चेंज हुई है। ठीक है नहीं, तो वेबसाइट अब जो ये बनी है, तो अब ये क्या है कि अभी एकदम बिल्कुल भी ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, तो ये आपका जो है ICER का जो पब्लिक नोटिस है CUET के साथ में ICER हुआ इस साल से, कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये। ठीक है, कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदा हुआ है इस साल से। ठीक है, CUET के साथ में ICER होने से UG स्टूडेंट के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर क्या था कि ICER जो था वो आपका जो था अलग से एग्ज़ाम होता था, ICER ही उसको लेता था, जिसमें आपके जो थे अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी उसमें आ जाते थे एग्रीकल्चर में। तो इस साल से क्या बिल्कुल अलग अलग था, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिस है, इस पब्लिक नोटिस की जो वीडियो वो अलग से चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसकी भी डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो साइट है इसको आप लगातार चेक करते रहें, क्योंकि शुरू से जो सूचना आई है वो इसी पर आई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से लेकर के ICER का नोटिस आ गया काउंसलिंग का। ठीक है, अब इसका रैंक कार्ड की कोई अपडेट नहीं है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ठीक, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको वीडियो बनाकर चैनल के माध्यम से बता दी, कोई भी अपडेट छूटे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा ना, उनका तही दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक अपडेट है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर जैसे आप नोटिफिकेशन में जाओगे, नोटिफिकेशन में जैसे आप जाओगे, तो यहाँ पर जो है आपको ये जो टेंडर लिखा है इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एक ICER से संबंधित एक मिलेगा नोटिस, नोटिस नहीं एक तरीके से PDF है ये, इसको इस पर जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो है ICER की जो काउंसलिंग वगैरह उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी गई। ठीक है नहीं, इस नोटिस को आप जो स्टडी कर सकते हो, इसकी भी कम्प्लीट वीडियो चैनल पर जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट अपडेट है ICER UG 2023 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इस साल से जो है ICER UG स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, और कोई भी अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें। ठीक है, इसकी तीनों वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध है कम्प्लीट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, और इसी प्रकार से देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।